नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और आपके सामने मैं हूं गौरव सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर है लुधियाना से। पंजाब के लुधियाना में कोर्ट में एक जबरदस्त धमाका हुआ है और ये धमाका हुआ है तीसरी फ्लोर पे कोर्ट नंबर 9 के पास ही वॉशरूम से, और वॉशरूम के पास ही ये जबरदस्त धमाका हुआ है और धमाके में काफी नुकसान हुआ है। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों को फटाफट आनंद फानंद में पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया और अफरा तफरी का माहौल है हर तरफ। इस कोर्ट में धमाके के बाद से लगातार अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात हुआ ये है कि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोर्ट जैसी अति सुरक्षा जगह पर सुरक्षा में कहां चूक रह गई जिसके बाद आखिर इस धमाके को अंजाम दिया गया। ये धमाका किसकी तरफ से हुआ है, क्या ये आतंकी संगठन की तरफ से है या फिर ये किसी शरारती तत्वों का काम है, इस बारे में फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 5 लोग काफी जख्मी है जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है इसके बाद वहां पर लगातार लोग परेशान है, हैरान है, भाग दौड़ मच रही है और तीसरी मंजिल पर जब ये धमाका हुआ, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पार्किंग की। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मोबाइल की, ये पार्किंग की तस्वीरें हैं। देखिए तीसरी मंजिल पर ब्लास्ट होता है और नीचे पार्किंग में हालात कैसे हैं, लोग डरे हैं, सहमे हैं, दहशत में हैं और जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा है, काफी क्षति पहुंची है क्योंकि धमाके के बाद जो ऊपर का मलबा था, जो सीमेंट था और प्लास्टर था, वो दीवारों छूकर नीचे गाड़ियों का आकर गिरा है जिससे गाड़ियां काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो दोस्तों ये इस धमाके की अपडेट है और जैसे जैसे बाकी अपडेट सामने आएगी हम आपको लगातार अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पर लगातार देते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।